बिहार शरीफ के सेंट जोसेफ एकेडमी में केरल एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक ओनम का उत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन केरल विधानसभा सदस्य अभिवक्ता सनी जोसेफ द्वारा दीप प्रज्वलित कर मनाया गया, जबकि आगत अतिथियों का स्वागत सेंट जोसेफ एकेडमी के निदेशक जोसेफ टीटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केरल के परंपरागत नृत्य से हुई, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक अधिवक्ता सनी जोसेफ ने कहा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में केरल के लोगों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने इन लोगों के शिक्षण व्यवस्था की प्रशंसा की। इस अवसर पर पूरे बिहार राज्य से न केवल केरल के शिक्षण संस्थान के लोग बल्कि अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें केरल के परंपरागत भोजन परोसे गए। That may, you will not be able to understand Malayalam, but Babu Master will translate that into Hindi. It's only that I'm unable to speak in Hindi. Which is India, primarily Malum, but lekin I cannot express it. I cannot. Hindi mein baat hi karna bahut mushkil hai. Okay. Practice nahi. Bole ye Kerala Association Biharinte nethrutvathilulla onagosha paripadi പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിന് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്। കേരള അസോസിയേഷൻ ബീഹാർ തരഫ് സെ ഈ ഓണ പ്രോഗ്രാം യഹാ അറേഞ്ച് കർന്ന ഇസ്മേ ഷാമിൽ ഹോനേക്ക് അവസരം മില ഇസ്മേ ബഹുത് ബഹുത് ഖുശി। ഓണ മലയാളികളുടെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമാണ്। ഓണം കാ മതലബ് ഹമാരാ കേരള കാ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ। ജാതി മത വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഇസ്മേ കോയി തരഹ കി ജാതി മതഭേദ് നീ ഹോത്ത ഹൈ। കേരളീയ മലയാളികൾ ഇവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു। केरला का लोग ये दुनिया में कहीं भी हो वहाँ इस दिन एक्चुअली 8 तारीख को पड़ता है, हम लोग थोड़ा सा पहले हो गया, ये 8 सितंबर को ओणम सेलिब्रेट करेगा दुनिया में कहीं भी हो। बिहार के ये प्रदेश पटना मलता प्रदेश निरवधि मलयाली सूहतुक वर्षाईट सेवनमें प्रधानमंत्री विद्याभ्यास स्थापना आरंभ कुछ क्वालिटी एज्युकेशन नल्कान प्रधानमंत्री श्रद्धा पतिप्च। बिहार का कहीं एक हिस्से शहर है और विलेज में है, केरला के लोग हम कई तरह का सेवा करते आ रहा है कई सालों से, उसमें सबसे मुख्य है एजुकेशन देना, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देने में केरला की शिक्षक लोगों ने यहाँ काफ़ी सालों से अपना परिश्रम करते आ रहा है। इनके उदाहरण इंपोड़ निकलने प्रोग्राम सेंट जोसफ अकादमी, इसके लिए एक एग्जाम्पल है ये जो स्कूल है जिसमें आगे कार्यक्रम चल रहा है। इनके नेतृत्व ऐटेड़ा ബാബു സാറ്, ടി ടി ജോസഫും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സജിന ടീച്ചറും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്। സാർക്ക് അപ്പന ജില്ലാസ് ബിലോങ് കർത്താവും വാസി അമ്മോനെ ആയ വാസി ആകർക്ക് ഐസ അച്ഛേ സേവൻ സേവൻ ദേത്താ ഓർ ഈ അച്ഛി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചലാനും സാർക്കോ കാഫി അച്ഛ ഖുഷി മഹസൂസ് വരാത്ത ഗവൺമെൻറ്റ്। चाहे करनी हो नौकरी सरकारी या फिर डिफेंस की तैयारी, आपके सपनों को साकार करने की ESC एकेडमी ने ले ली है जिम्मेदारी। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंग्लिश और सेट प्रैक्टिस कराने के लिए आज ही जुड़े ESC एकेडमी से। हमारा पता है भैंसासुर नियर राज सैनी बुक स्टॉल बिहार शरीफ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करे 7903115085 पर या 7481828686 पर। एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। नालंदा विद्या मंदिर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, दिस स्कूल इज एफिलिएटेड फ्रॉम CBSE। आपके शहर में अनोखी सुविधा के साथ आधुनिक तकनीकों से लैस मदर टेरेसा हाई स्कूल, जहां बच्चों को मिलती है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अनुशासन, खेल, विज्ञान, संगीत जैसे कई क्षेत्रों में संपूर्ण ज्ञान। 03 पर